नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। झारखंड हाई कोर्ट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा भेजा गया समन के खिलाफ दायर याचिका पर आज बुधवार को चीफ जस्टिस और जस्टिस की बेंच में सुनवाई की गई। पार्टी की ओर से यह बताया गया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ किसी प्रकार की कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है और ईडी के द्वारा जो समन जारी किया गया है उसमें किसी प्रकार की कोई स्पष्टता नहीं है कि एग्जीक्यूट के तौर पर समन जारी किया गया है या फिर विटनेस के तौर पर। यह सरासर गलत है और इसे वापस किया जाना चाहिए। इस पर खंडपीठ के प्रवर्तन निदेशालय के अधिवक्ता को आगामी 13 अक्टूबर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया गया। इस मामले की विस्तृत सुनवाई 13 अक्टूबर को होगी। प्रार्थी के सुप्रीम कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता पी चिदम्बरम वर्चुअल बोर्ड से अपना पक्ष रखेंगे और एस के राजू सीनियर एडवोकेट ने प्रवर्तन निदेशालय की ओर से अपना पक्ष रखा। उस मामले पर आज झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। माननीय मुख्य न्यायमूर्ति की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में प्रार्थी की ओर से यह बताया गया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ किसी प्रकार का एफआईआर दर्ज नहीं है और जो ईडी के द्वारा समन जारी किया गया उसमें कोई स्पष्टता नहीं है कि वो एक्यूज्ड के तौर पे समन जारी किया गया या विटनेस के तौर पे। यह सरासर गलत है और इसे वापस किया जाना चाहिए। इस पर माननीय खंडपीठ ने ईडी के अधिवक्ता को 13 अक्टूबर को अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है और इस मामले की विस्तृत सुनवाई 13 अक्टूबर को होगी। वर्चुअल बोर्ड से सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के पी चिदम्बरम प्रार्थी की ओर से अपना पक्ष रखें और एस के राजू जो ईडी की ओर से सीनियर एडवोकेट ने अपना पक्ष रखा।